नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर फाइनल में पहुंचा श्रीलंका, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। 17 सितंबर को भारत से सामना। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप 2023 के फाइनल में कदम रखा है। टीम ने गुरुवार रात के दिलचस्प सुपर फोर मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। आखिरी 2 गेंद पर श्रीलंका को 6 रन की जरूरत थी। चरिता सालंका ने अगली गेंद पर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर टीम को रोमांचक जीत दिला दी। टीम 11वीं बार वनडे एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। 17 सितंबर को कोलंबो के मैदान पर खिताबी मुकाबले में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में 7 विकेट पर 252 रन बनाए। डीएलएस मेथड के तहत श्रीलंका को 252 का टारगेट ही मिला। श्रीलंका ने 42 ओवर में 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। आखिरी 2 ओवर में रोमांचक हुआ मुकाबला। आखिरी 2 बॉल पर श्रीलंका को 12 रन की जरूरत थी। यहां शाहीन अफरीदी बॉलिंग करने आए। श्रीलंका का स्कोर 240 रन पर 5 विकेट था। शुरुआती 2 गेंद पर 3 रन बन गए। तीसरी गेंद पर डॉट रही। चौथी गेंद पर धनंजय डी सिल्वा लॉन्ग ऑन पर कैच हो गए। पांचवी गेंद पर दुनिथा वेला लागे भी कैच आउट हो गए। आखिरी गेंद पर 1 रन बना। अब आखिरी 6 गेंदों पर 8 रन की जरूरत। जमान खान के सामने प्रमोद मधुसन और चरित असालंका। पहली गेंद पर लेग बाय का 1 रन बना। अगली गेंद डॉट आउट हो गई और तीसरी गेंद पर 1 रन आ गया। चौथी गेंद पर मधुसन रन आउट हो गए। 2 गेंद पर 6 रन की जरूरत। जमान ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंकी। असालंका ने तेजी से बैट घुमाया और बॉल थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए चली गई। लास्ट बॉल पर 2 रन की जरूरत। जमान ने मिडिल स्टंप पर फुलर लेंथ स्लोअर बॉल फेंकी। असालंका ने स्क्वायर लेग की दिशा पर फ्लिप किया और 2 रन लेकर अपनी टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। असालंका 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे और टीम को लगातार दूसरी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। इफ्तिखार रिजवान ने रिकॉर्ड सेंचुरी पार्टनरशिप की। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने 108 रन की पार्टनरशिप की। दोनों ने वनडे एशिया कप में पाकिस्तान के 6वें विकेट पर सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया। दोनों ने फवाद आलम और सोहेल तनवीर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2008 में हांगकांग के खिलाफ 6वें विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की थी। श्रीलंका ने शुरुआती विकेट लेकर दबाव बनाया। मेंडिस अमरविक्रमा ने चैज आसान किया। टॉस हारकर गेंदबाजी करने उतरी श्रीलंका को गेंदबाजी ने बढ़त दिलाई। पाकिस्तान की आधी टीम 130 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी, तभी बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा। लेकिन यह बारिश पाकिस्तान के लिए सौगात की बारिश साबित हुई। जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने महज 74 गेंदों पर 122 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम का स्कोर 252 रन तक पहुंचा दिया। डीएलएस के तहत मिले 252 रन के टारगेट के सामने श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की। कुशल परेरा 17 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद प्रथम निशांका ने कुशल मेंडिस के साथ 57 रन की पार्टनरशिप की। मेंडिस ने फिर सदीरा समर विक्रमा के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। आखिर 2 ओवर में टीम को जीत के लिए 12 रन बनाने थे। ऐसे में चरित असालंका ने जिम्मेदारी भरी पारी खेली और नाबाद 49 बनाते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।